हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट में, और हम पहुंच गए थे इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस पर। और हमने ये पढ़ा था कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन एसेट को क्लासिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेप वही होगा। अगर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इंफॉर्मेशन एसेट्स हम लेंगे और उन्हें क्लासिफाई करेंगे। और हमने जाना था कि इंटेंजिबल एसेट्स होंगे, टेंजिबल एसेट है, इस तरीके से हम उसे क्लासिफाई करेंगे। फिर हम पहुँचे थे वैल्यूएशन, क्योंकि एक बार हमने क्लासिफाई कर दिया एसेट को, उसके बाद हम उसे वैल्यू करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। क्लासिफिकेशन से हमें ये पता चल जाएगा ये एसेट है और इस तरीके के एसेट हैं, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूएशन होगी कि कौन क्रिटिकल है, कौन नॉन क्रिटिकल है। और कौन क्रिटिकल के लिए कई क्रिटेरियाज थे, जैसे कि उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है, या कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिसके कॉम्प्रोमाइज़ होने पर उन एसेट्स में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो सकती है, गुडविल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा हमने ये जाना था कि हम एसेट को आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रुप करेंगे, उसका कैटेगराइजेशन करेंगे। और कैटेगराइजेशन कैसे कर सकते हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट सेंसिटिव, पब्लिक सेंसिटिव, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि उसको हम डिफरेंट ग्रुप में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव और अनक्लासिफाइड। मतलब आप टॉप सीक्रेट कर सकते हो, टॉप सीक्रेट किसको कर सकते हो, जिसकी जिस जहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाता है, एग्जिस्टेंस ही ख़त्म होने की कगार पर जो हो जाएगी, अगर वो इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगी एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी। सीक्रेट थोड़ा सा कम है, सर्वाइवल स्टेक में आ जाता है, सर्वाइवल स्टेक में आ जाए तो थोड़ा सा कम डेंजरस बात होती है, अगर एग्जिस्टेंस ही ख़त्म होने की चांसेस आ जाए, एग्जिस्टेंस पूरी एक पूरी कॉम का, पूरी कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, तो एग्जिस्टेंस ही ख़त्म होना वो टॉप सीक्रेट में क्वालिफाई करता है, वो टॉप सीक्रेट के लिए क्वालिफाई करता है। और सर्वाइवल, अगर सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है कोई इन्फॉर्मेशन तो वो सीक्रेट कहलाएगा। उसके बाद हमने ये जाना था कि सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल होती है। सेंसिटिव अगर हाईली सेंसिटिव होता है उसे कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। कॉन्फिडेंशियल में क्या है, सिग्निफिकेंट लॉस या डैमेज होगी। सेंसिटिव में सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है। अनक्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक हो सकती है, जिसके पब्लिक होने से कोई ऑर्गेनाइजेशन को हार्म नहीं होता है। इसी के साथ हमने जाना था कि डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन जो होता है टॉपिक में, हमने ये जाना था कि डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के लिए कई एडवांस कंट्रीज़ में लेजिस्लेशन आ गए हैं। और एडवांस कंट्रीज़ में लेजिस्लेशन क्यों आए, उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि एडवांस नेशन जो है वो उन्होंने अपने मेजर सिस्टम्स को ऑटोमेट कर दिया, तो वहाँ डेटा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि चीज़ें जैसे जैसे ऑटोमेट होती जाती हैं, चीज़ें डेटा इंपॉर्टेंट होता जाता है। कि ये हमने पिछले सेशंस में इसको क्लियर किया था कि क्यों ऑटोमेशन की वजह से डेटा इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। तो चूंकि ऑटोमेशन होता चला गया, सेंसर्स लगते गए, डेटा आ रहा है, और हम अब उसी डेटा के थ्रू उस इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, तो वो डेटा इंपॉर्टेंट हो गया। और डेटा की प्राइवेसी और डेटा का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो एडवांस नेशन ने लेजिस्लेशन इनेक्ट किए डेटा प्राइवेसी को के रिगार्डिंग। और इन्होंने जो अगर कोई पार्टी, किसी पार्टी के पास आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो तब तक आप थर्ड पार्टी को रिलीज़ नहीं कर सकते, तब तक आप थर्ड पार्टी को वो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोर्ट ऑर्डर्स नहीं है। एडवांस कंट्रीज़ में कई रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो कि डेटा के डिसेमिनेशन में रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। मतलब कई इंडस्ट्री है, जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके पास आपका बैंक अकाउंट है तो वो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगती है, डेटा के डिसेमिनेशन में रेस्ट्रिक्शंस लगती है। उसके अलावा हमारी स्टडी ये भी बताती है कि यूके का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 1988, तो उसके की फीचर्स में एक पर्टिकुलर की फीचर ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा के डिसेमिनेशन तक ही सीमित नहीं है। कि नो डाउट इलेक्ट्रॉनिकली डेटा जो है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने, आईटी सिस्टम्स ने डेटा को काफ़ी फास्ट मूविंग बना दिया है, काफ़ी वनरेबल बना दिया, लेकिन जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है यूके का वो, और ये अच्छे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो किसी कंट्रीज़ में बनेंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली हेल्ड डेटा पर भी लागू होंगे और वैसे भी लागू होंगे।
और उसके अलावा कई एरियाज़ हैं, जैसे सेंसिटिव पर्सनल डेटा होता है, रिसर्च वगैरह होती है, जैसे हेल्थ रिसर्च होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, रेस, इथेनिसिटी, जेंडर, हेल्थ रिलेटेड डेटा उनके पास होता है, तो वो रिसर्च पर्पजेज़ के लिए प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कि भाई आप इसको यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, और उसके लिए एक्ट जो है मैं स्पेसिफिकली ये लिखा होता है, कंप्लाइंस ऑडिट होगा, यानी कि अगर आपने डेटा ले रखा है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा आपके पास है, आप एक कोई कंपनी हो और आप मेडिकल कंपनी हो, आप लोगों पर रिसर्च कर रहे हो, आप लोगों के डीएनए ले रहे हो, आप उससे आप रेस की इंफॉर्मेशन, एथनिसिटी की इंफॉर्मेशन, जेंडर की इंफॉर्मेशन, हेल्थ की इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि कुछ जो डिजीज़ होती हैं, जो हेरिडिटी डिजीज़ की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो आपको, आप उस एक्ट के अंतर्गत आ जाओगे, और उस एक्ट के अंतर्गत आपको कंप्लायंस ऑडिट कराना पड़ेगा। कंप्लायंस ऑडिट का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल्स को चेक करेगा वो ऑडिट कि कंट्रोल सही हैं कि नहीं है, तो कंप्लायंस ऑडिट कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन केसेस में। ये सारी चीज़ें क्यों हमारी स्टडी बता रही है, ये सारी चीज़ें हमें स्टडी बताने की कोशिश कर रही है कि अभी हम इंडिया जैसी कंट्री जो है अभी लोअर स्टेजेस में है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये लेजिस्लेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और वो लेजिस्लेशन धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री में ये लेजिस्लेशन इसलिए आ चुके हैं क्योंकि डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड है और वहाँ पर ऑटोमेशन एक लेवल से ज़्यादा बढ़ चुका है और वहाँ पर ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और वहाँ पर आईटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वहाँ पर आईटी के थ्रू ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि उस लेवल की एफिशिएंसी, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट हो गया है और इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्री है। और चूंकि वहाँ पर डेटा इंपॉर्टेंट हो गया है तो उन्होंने क्या है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स ला दिए हैं, और चूंकि उन्होंने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स ला दिए हैं इसलिए ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स आईटी डेटा पर भी लागू होते हैं, नॉन आईटी डेटा पर भी लागू होते हैं, और एक्ट कई जगह पर तो एक्ट ये कहता है कि कंप्लायंस ऑडिट आपको करना पड़ेगा। तो डेटा प्रोटेक्शन कंप्लायंस ऑडिट का क्या एम है, ये क्वेश्चन पैदा होता है। अब कंप्लायंस ऑडिट के लिए कई एक्ट बोलते हैं, तो कंप्लायंस ऑडिट का एम क्या होता है, उसके बेसिक रिक्वायरमेंट डेटा सिक्योरिटी होती है, लेकिन वो डेटा प्रोटेक्शन की भी बात करता है। डेटा सिक्योरिटी एक छोटी चीज़ है, डेटा प्रोटेक्शन एक बड़ा एरिया है, मतलब दोनों वर्ड्स सिमिलर लगते हैं, डेटा प्रोटेक्शन और डेटा सिक्योरिटी एक वर्ड्स लगते हैं, लेकिन डेटा सिक्योरिटी एक छोटा वर्ड्स है, डेटा प्रोटेक्शन में डेटा सिक्योरिटी भी आ जाती है, डेटा की सिक्योरिटी जो होती है वो डेटा प्रोटेक्शन में भी आ जाती है। तो हमारी स्टडी ये डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बताती है और हमें सेंसिटिविटाइज करने की कोशिश करती है और ये बताने की कोशिश करती है कि भाई हम उस जगह पर जल्दी ही पहुँचने वाले हैं जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ पहुँच रहे हैं। तो ये सारे लेजिस्लेशन से क्या होगा, इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट में का क्या प्रभाव होगा, तो ये सारे लेजिस्लेशन से इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट में ये प्रभाव पड़ेगा कि एक लेजिस्लेशन कहेगा कि ये चीज़ें आपको क्या आपके लिए मैंडेटरी हैं, तो रिस्क बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ अनएथिकली और गलत तरीके से यूज़ होता है, कोई कंपनी आती है यहाँ पर, जैसे रेनबैक्सी जैसी कंपनी है या कोई कंपनी है, अगर वो डेटा को सही तरीके से यूज़ नहीं करती है तो उसको पेनल्टीज लगेंगी और उसका मार्केट में नाम बदनाम हो जाएगा, यानी गुडविल पर इफेक्ट आएगा, यानी कि वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, और अगर मान लिया सपोज वो डेटा हमारे पास नहीं भी है तो एक स्टैंडर्ड्स बन गए, इथिकल स्टैंडर्ड्स बन गए, बेस्ट प्रैक्टिसेस बन गए, ये लॉज जो कंट्रीज़ में है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरह एक्ट करते हैं, और चूंकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरह एक्ट करते हैं, हम पर मैंडेटरी नहीं है अभी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री में वो लॉज आए नहीं, कई जगह पर लॉज आने शुरू हुए हैं लेकिन लॉज आए नहीं है, तो वो एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरह करते हैं। और हमें जब भी हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में सोचें तो हमें उन्हें स्टैंडर्ड्स के रूप में सोचना चाहिए और उन्हें कंप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर हम नॉन कंप्लाइंस करेंगे उसका तो कई जगह पर क्या होगा कि हमारी गुडविल पर असर पड़ सकता है। तो हमने ये बोला कि एक्ट जो है कंप्लाइंस ऑडिट के बारे में बोलता है और कंप्लाइंस ऑडिट जो है वो डेटा सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि डेटा प्रोटेक्शन के बारे में भी बात करता है। तो बेसिकली डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन में क्या अंतर है, डेटा सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी है, जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। डेटा प्रोटेक्शन एक वाइडर टर्म है, उसमें क्या है कि कोई हम क्या देखते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट, कंप्लीट, अप टू डेट, एडुकेट, रिलेवेंट है कि नहीं है,
मतलब एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाती है, एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, डेटा सिक्योरिटी तो होनी ही होनी चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए। उसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखना है कि डेटा की प्रोसेसिंग सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, लॉफुली हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉपर बेसिस पर हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके अलावा रिटेंशन, मतलब डेटा प्रोटेक्शन में रिटेंशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रिटेंशन क्या है कि आपको उतनी इन्फॉर्मेशन रिटेन करनी है जितनी इन्फॉर्मेशन जिस पीरियड के लिए रिटेन करनी चाहिए उतनी पीरियड के लिए रिटेन करनी चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन रिटेन करनी चाहिए उतनी पीरियड के लिए रिटेन करनी चाहिए, अदरवाइज आपको वो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए। अप्रोप्रिएट रीडिंग और डिलीशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल ये है कि कई हेल्थ रिलेटेड कंपनी जो है वो रिसर्च करती हैं और वो लोगों का डेटा लेती हैं, उसके बाद लॉ कहती है कि कुछ साल बाद वो डेटा आपको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 8 ईयर्स तक अपनी बुक्स रखनी चाहिए, ये हमारा एक्ट कहता है, लेकिन 8 ईयर्स के बाद हमें बुक्स नहीं रखनी चाहिए। मतलब 8 ईयर्स तक हमें बुक्स रखनी चाहिए, लेकिन 8 ईयर्स के बाद हम बुक्स रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो नहीं रख सकते हैं। लेकिन हेल्थ रिलेटेड डेटा में ये है कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन ले रखी है तो एक ईयर के बाद आप उसे डिस्ट्रॉय करना ही करना है, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होनी चाहिए। ये रिटेंशन है, रिटेंशन डेटा प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे करता है कि एक तो कहता है कि आप उसे बाहर नहीं करेंगे, उसका यूज़ करेंगे, यूज़ करते ही उस डेटा को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो डेटा को वीड आउट कर देंगे, डिलीट कर देंगे उस इन्फॉर्मेशन को एक बार आप उसको यूज़ करेंगे। तो ये डेटा प्रोटेक्शन है, डेटा सिक्योरिटी से आगे जाता है। डेटा सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी में खत्म हो जाती है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन थोड़ा सा आगे जाता है। तो कंप्लायंस ऑडिट डेटा प्रोटेक्शन को भी देता है, डेटा सिक्योरिटी को भी देखता है। उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन में कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस और गाइडलाइंस हो जाते हैं कि भाई किस तरीके से सिस्टम को यूज़ करेंगे, और उसको हमें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा डेटा प्रोटेक्शन में, मतलब थोड़ा सा एक्सेस काम है। उसके अलावा क्या है कि इंडिविजुअल राइट्स से कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन के लेजिस्लेशन है उनको उनके साथ कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो डेटा सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी में जाकर ख़त्म हो जाती है, यानी कि अगर एक डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल जिसको नहीं मिलना चाहिए नहीं मिले, अनऑथराइज्ड रूप से कोई न उसे मिल सके, वो कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाता है। इंटेग्रिटी ये कहलाता है कि कोई अनइंटेंशनल या एक्सीडेंटल अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ये एक्सीडेंटल भी नहीं होना चाहिए इंटेंशनल भी होना चाहिए, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन नहीं अलाउड है, ये इंटेग्रिटी इंश्योर करती है। अवेलेबिलिटी ये होती है जिसको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए उसको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए और राइट टाइम में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि आप ATM में अगर कार्ड डालें तो आपका बैंक अकाउंट में अगर पैसा हो तो वो पैसा निकाले, वो आपको दिखाए, बैलेंस दिखाए कि आपका इतना बैलेंस बचा हुआ है, ये अवेलेबिलिटी होती है। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी पर आकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन जो है वाइडर वर्ड होता है। इसके अलावा जब हम डेटा को क्लासिफाई कर लेते हैं, पहले तो डेटा को क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर उसको उसका वैल्यूएशन कर लेते हैं क्रिटिकलिटी के अनुसार। अब हमने डेटा को वैल्यूएशन कर लिया और बता दिए ये टॉप सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, या कॉन्फिडेंशियल है, या सेंसिटिव है, या आपका पब्लिक डेटा है, इस तरीके से हमने उसे क्लासिफाई कर दिया। तो अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि हमें थ्रेट्स आइडेंटिफाई करना है। अब थ्रेट्स क्या होते हैं, हमने कई सेशंस में थ्रेट्स के बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं, थ्रेट्स, थ्रेट सोर्स, वनरेबिलिटी और इम्पैक्ट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो थ्रेट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, थ्रेट्स कोई भी इंटरप्शन या डिस्ट्रक्शन होता है किसी सर्विस प्रोडक्ट और प्रोसेस का। सॉरी, थ्रेट अगर मान लिया सपोज कोई एक ऐसा इवेंट है जो किसी चीज़ को, किसी भी सर्विसेज प्रोडक्ट या प्रोसेस को इंटरप्ट कर रहा है या डिस्ट्रक्ट कर रहा है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको थ्रेट कहते हैं। थ्रेट अगर मान लिया प्रोसेस चल रही है वो सही तरीके से चलनी चाहिए, लेकिन थ्रेट एक इवेंट है, मतलब कुछ ऐसा है जिससे कि जैसे मान लिया एरर हो गया, मेलिशियस अटैक हो गया, फ्रॉड हो गया, थेफ्ट हो गया, इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया। अगर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर का फेलियर हो गया तो एक थ्रेट मटेरियलाइज हो गया, और थ्रेट क्यों होता है, वल्नरेबिलिटीज की वजह से, मतलब कहीं पर आग लग गई, आग का थ्रेट है, और थ्रेट
किस वजह से होता है, वनरेबिलिटीज की वजह से होता है। जो थ्रेट जो है, अगर कहीं कोई एरर हो गया या मेलिशियस अटैक हो गया या फ्रॉड हो गया या कोई चोरी हो गई या इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया, ये सारी चीज़ें थ्रेट्स हैं। और ये थ्रेट्स जो होती हैं वो वनरेबिलिटीज़ की वजह होती हैं। अगर वनरेबिलिटी हैं तो थ्रेट उसको एक्सप्लॉइट कर लेता है। तो कहने का मतलब वनरेबिलिटी पहले है, हमारे उसमें भी क्वेश्चन भी है, वनरेबिलिटी पहले है और थ्रेट बाद में है। वनरेबिलिटी जो होती है वो, उसको हम ऐसे कह सकते हैं, हम वो कह सकते हैं कि वो थ्रेट एक्सप्लॉइट करता है और हम ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इम्पैक्ट जो है लॉस है, इम्पैक्ट मॉनेटरी टर्म्स है, क्वांटिफिकेशन है लॉस का। कई बार क्या है कि इंटेंजिबल इम्पैक्ट भी हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट जनरली लॉस है, जो लॉस आपको हुआ। और लॉस किसकी वजह से हुआ? थ्रेट और वनरेबिलिटी की वजह से, वनरेबिलिटी और थ्रेट की वजह से। वनरेबिलिटी थी, उसको थ्रेट ने एक्सप्लॉइट कर लिया। अब वनरेबिलिटी क्या होती है? अगर थ्रेट्स एरर है तो वनरेबिलिटी क्या है? लैक ऑफ यूज़र नॉलेज है। एरर क्यों हुआ? क्योंकि या तो मतलब एरर या मेलिशियस डैमेज, अटैक्स, फ्रॉड, थेफ्ट, इक्विपमेंट फेलियर्स क्यों होते हैं? क्योंकि कोई वनरेबिलिटी होती है। कौन सी वनरेबिलिटी हो सकती है? यूज़र में नॉलेज ना हो, सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो, लैक ऑफ सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी, पासवर्ड की चॉइस सही तरीके से नहीं है, पासवर्ड आप 12345 डालते हो जबकि पासवर्ड एट द रेट करके डालना पड़ेगा, अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी है, और आपका डेटा मूव कर रहा है, डेटा मूव कर रहा है तो उस समय किसी ने वो डेटा हैक कर दिया, अनप्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन मीडियम्स के थ्रू डेटा चल रहा है। तो अगर अनप्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू डेटा चल रहा है तो भाई उसको कोई हैक कर सक कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंने पहले अपने सेशंस पर एक एग्जांपल दिया था कि रावण के नाभि में अमृत था और वही उसकी वनरेबिलिटी थी। उसकी वनरेबिलिटी वहाँ पर थी, वो जिंदा था, लेकिन अचानक उसकी वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लिया राम ने। तो उस उन्होंने तीर मारा और तीर मार कर सही जगह पर मारा और उस वनरेबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लॉइट कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, उस वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना, जो भी कमजोरी है, जो उसको एक्सप्लॉइट थ्रेट करता है। तो आपको पोटेंशियल थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, पोटेंशियल वनरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करेंगे, वनरेबिलिटीज को खत्म करना पड़ेगा, थ्रेट्स को मिटिगेट करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो एक चीज़ समझने की बात यह है कि पोटेंशियल थ्रेट्स हम क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसलिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम बहुत वनरेबल हो गए इन थ्रेट्स से, डैमेज कॉज कर सकते हैं। और डैमेज क्या हो सकता है? डेटाबेस की इंटेग्रिटी लूज आउट हो सकती है या कंप्यूटर फैसिलिटी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। मतलब लॉस के सोर्सेज कई हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हो सकते हैं, हैकर्स कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय प्रॉब्लम कर सकता है, डेटा एंट्री क्लर्क प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये थ्रेट्स जो हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी सिस्टम की, और या सिस्टम के रिसोर्सेज की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी पर हमला करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है? पोटेंशियल थ्रेट से बचना है, पोटेंशियल वनरेबिलिटीज को हटा देना है और पोटेंशियल थ्रेट से बचते रहना है। और जो मैं अपने कई सेशंस में पहले ये कह चुका हूँ कि क्योंकि चीज़ें कंप्यूटराइज होगी, पहले डेटा कहाँ रहता था? डेटा आपका फाइनेंस रूम में रहता था, किताबों के अंदर रहता था, उसको निकालना बहुत मुश्किल था। लेकिन अचानक एक दिन डेटा निकल गया और डेटा भागने लगा, आपके कॉमन ड्राइव में आ गया, कॉमन ड्राइव से डेस्कटॉप में आ गया, डेस्कटॉप से अचानक आपने मेल में डाल दिया, मेल से आपने मेल किया तो मालूम पड़ा समुंदर पार एब्रॉड एक सेकंड में चला गया वो डेटा। तो डेटा की मूवमेंट बहुत तेज होगी, डेटा वायरल होने लगा, डेटा वायरल किसी भी तरीके से हो सकता था, डेटा वायरल अचानक मालूम पड़ा दिग्विजय सिंह जी का एक फोटोज़ थे जो किसी लेडी पत्रकार के साथ थे। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि वो कॉन्फिडेंशियल थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक वो वायरल हो गए। या बंगारू जी कुछ पैसा ले रहे थे किसी कंपनी से और किसी ने उनका किसी ने उन उनको उनका वीडियो ले लिया और अचानक वो वायरल हो गया। आज की डेट में चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये दोनों चीज़ भी होनी चाहिए। तो पोटेंशियल थ्रेट्स हम इसी प्रस्पेक्टिव में देखेंगे, इस प्रस्पेक्टिव में देखेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। अच्छा, थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ के बारे में हमारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थ्रेट्स
आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इवेंट है जो हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, जो इंटरप्ट कर सकता है, जो डिस्ट्रक्शन कर सकता है किसी भी सर्विस प्रोडक्ट और प्रोसेस का। वनरेबिलिटी वो कमजोरी है, वो करेक्टरिस्टिक्स है जो एक्सप्लॉइट की जा सकती है और उससे क्या है, इम्पैक्ट हो सकता है, हार्म या इम्पैक्ट हो सकता है। तो थ्रेट सोर्स, थ्रेट, वनरेबिलिटी और हार्म या इम्पैक्ट, ये चीज़ें आपके ब्रेन में कमिट होनी चाहिए। तो आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे और पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होगे तो आपको पोटेंशियल थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा सुनामी आ सकती है कि नहीं आ सकती है, आपको ये देखना पड़ेगा आग लग सकती है कि नहीं लग सकती, आपको देखना पड़ेगा फिजिकल कंट्रोल्स सही है कि नहीं सही है, आपको देखना पड़ेगा हैकिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, आपको ये देखना पड़ेगा एंटीवायरस लगा है कि नहीं लगा है, आपको देखना पड़ेगा पासवर्ड सही तरीके के हैं कि नहीं है, कंप्यूटर लॉजिकल एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ पासवर्ड लेता है यानी कि स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मल नंबर्स विद स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स लेता है कि नहीं लेता है। मालूम पड़ा आप 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाल रहे हैं तो कंप्यूटर को नहीं लेना चाहिए, उसने कहना चाहिए आप स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स डालो, तो आप 1 2 3 4 5 @ डालोगे, फिर उसके बाद कहना चाहिए एक छोटा करेक्टर डालो, आप ABC डालोगे, फिर वो कहना चाहिए बड़ा करेक्टर डालो, फिर आप बड़ा AB डालोगे, और कई बार उसे कहना चाहिए 1 2 3 4 5 है सीरीज़ है मैं नहीं लूँगा, आप 3 4 5 6 भी मैं नहीं लूँगा, अगर 3 2 1 4 5 लोगे तो ठीक है मैं ले लूँगा, एक सीरीज में नहीं लूंगा। कंप्यूटर को ये आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए जब आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो थ्रेट्स कम हो जाएगा, वनरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट नहीं हो पाएंगी और सिस्टम की सिक्योरिटी रोबस्ट रहेगी। तो रिस्क मैनेजमेंट में तीसरा स्टेप जो ये है, तीसरा स्टेप ये है कि हमने अब तक सारे एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया और उनको उनकी क्रिटिकलिटी डाल दी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट एसेट हैं, जो भी क्रिटिकल एसेट्स हैं, उन पर हम एनालिसिस करेंगे, थ्रेट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे थ्रेट कहाँ तक हो सकता है और इसके थ्रेट और वनरेबिलिटी होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो जो टॉप सीक्रेट है या सीक्रेट है या इवन कॉन्फिडेंशियल है या कई जगह पर इवन सेंसिटिव है, तो वहाँ पर देखेंगे उस तरह के कंट्रोल्स लगें कि नहीं। सेंसिटिव चीज़ है तो कंट्रोल्स लगे होने चाहिए, अगर कॉन्फिडेंशियल है यानी एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो वहाँ पर और अच्छे कंट्रोल्स होने चाहिए, अगर सीक्रेट है तो वहाँ पर कंट्रोल्स बढ़ जानी चाहिए, टॉप सीक्रेट है तो वहां पर मैसिव कंट्रोल्स होने चाहिए। तो अब हम चलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी पर। पोटेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई हमने कर लिया है, अब हम ये समझ लेते हैं हमारी स्टडी में दिया है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में दिया है, हम इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं लेकिन क्योंकि हमारी स्टडी में दिया है तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट होनी चाहिए, और कैसे प्रोटेक्ट होनी चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस से। ऑथराइज्ड एक्सेस तो अलाउड है, अगर कोई भी एक्सेस ऑथराइज्ड है तो वो अलाउड है, लेकिन अनऑथराइज्ड व्यक्ति को अनऑथराइज्ड एक्सेस अलाउड नहीं होना चाहिए। कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जो कि हमने क्लासिफाई की है, सेंसिटिव की है, सीक्रेट की है, सॉरी सेंसिटिव की है, कॉन्फिडेंशियल की है, सीक्रेट की है, टॉप सीक्रेट की है, वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है और उसमें एक प्रोटेक्शन लगना चाहिए। यानी कि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अचानक वीडियो वायरल हो जाते हैं और वो वीडियो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो वीडियो वायरल नहीं होने चाहिए थे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ही बड़ा थ्रेट है आज की डेट में, आईटी एनवायरनमेंट में आज की डेट में कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो गया, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर हो गया, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर हो गया, तो अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन हो गया तो इंटेग्रिटी वायलेट हो गया। अगर अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर हो गया, दो चीज़ें, अनऑथराइज डिस्क्लोजर और अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, अगर अनऑथराइज रूप से कोई चीज़ मॉडिफाई हो गई है, चेंज हो गई है, तो वो इंटेग्रिटी इशू आ जाता है। अनऑथराइज रूप से अगर कोई चीज़ एक्सपोज हो गई है, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो गई है, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है। तो क्या हो सकता है कि मालूम पड़ा अगर कोई एप्लीकेशन कंट्रोल में इम्प्रॉपर एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगे हुए हैं तो उससे क्या है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो आदमी एक्सेस कर लेता है जिसे एक्सेस नहीं होनी चाहिए, जैसे पेरोल क्लर्क है, तो कई बार क्या होता है कि उसे मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉइज़ का एक्सेस नहीं होता है पेरोल क्लर्क को। कई बार क्या होता है, CFO CEO होते हैं, उनका
उनको एक्सेस नहीं होता है उनके, लेकिन हो सकता है एक्सीडेंटल एक्सेस मिल जाए उसे, कई जगह पर होता है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल कई कंपनी में मैंने देखा जहाँ पर पेरोल वगैरह होता है और उसमें सही तरीके पासवर्ड सेटिंग नहीं होती, और कई कंपनी में तो पेरोल मैंने कई कम मैंने एक कंपनी में पेरोल डेवलप होते हुए देखा है। तो पेरोल जो डेवलप होते टाइम पर कई बार क्या होता है कि अनऑथराइज एक्सेस हो जाती है, क्योंकि उस समय वो डेवलप हो रहा होता है, सही तरीके से कंट्रोल्स नहीं लगे होते हैं, तो जिसको एक्सेस नहीं होनी चाहिए उसको भी ये इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है। अनऑथराइज डिस्क्लोजर का दूसरे और तरीके से हो सकता है, जैसे डेटा गलत ब्रॉडकास्ट हो गया, गलत तरीके से ब्रॉडकास्ट हो गया नेटवर्क में, या डेटा का डिस्पोजल सही तरीके से नहीं हुआ। कई बार आप डिलीट कर रहे हैं और आपके रिसाइकल बिन में चला गया, और रिसाइकल बिन से में है और नेटवर्क्ड है और किसी ने आपका कंप्यूटर एक्सेस किया, नेटवर्क कंप्यूटर, और वो डेटा आपके वहाँ से निकाल लिया। कई केसेस में क्या होता है कि मेल्स गलत चली जाती हैं। कई बार होता था, मैं अपनी कंपनी में काम करता था, तो कई कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पर चंद्रशेखर कोई और होता था, उसकी उसको जो मेल भेजनी होती थी मेरे पास चली जाती थी, आती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गलत ब्रॉडकास्टिंग होगी, इन एडवर्टेंट ब्रॉडकास्ट हो गया डेटा का। मेरे पास बहुत बार हुआ है कि क्योंकि ऐसा होता है मेल में आप पहले दो तीन वर्ड डाल लो तो नेम आ जाता है, तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं दो तीन वर्ड डाले, उन्होंने CHANDRA डाला तो वो मेरे को मेल आ गई, जबकि वो मेल के लिए मैं इंटेंडेड रिसिपिएंट नहीं था, वो मेल मेरे पास नहीं आनी थी, गलत वो मेल ब्रॉडकास्ट हो गई, तो यानी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई। कई बार क्या होता है कि प्रिंटर होता है, उसमें कमांड दे दी, वो स्पूलिंग हो रही है, अभी प्रिंटर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और आदमी चला गया, उसको कैंसिल करके, कमांड को कैंसिल किए बिना, अपने कंप्यूटर में कैंसिल किए बिना, प्रिंट कमांड को कैंसिल किए बिना घर चला गया, और मालूम पड़ा कई बार क्या होता है प्रिंट निकल जाता है, और कई बार क्या होता है जो वो इन्फॉर्मेशन स्पूल हो रही है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, और चूंकि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है दूसरे आदमी के हाथ लग जाती है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी में काम करता था, वहाँ पर क्या है कि एक बंदे ने नया बंदा ज्वाइन किया, उसने जो सैलरी की इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंट आउट कर दी, और वो सैलरी की इन्फॉर्मेशन प्रिंटर में निकल आई और कई कई समय तक उस प्रिंटर में रही, तो वो सैलरी की इन्फॉर्मेशन कई लोगों के पास पहुंच गई। तो बेसिकली जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो हमें देखनी पड़ेगी, जब हम पोटेंशियल थ्रेट्स और वनरेबिलिटी के बारे में सोच रहे होंगे तो हमें देखना पड़ेगा थ्रेट्स जो हैं वो क्या करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। किसी भी कोई भी रिसोर्स है, कोई भी डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स है, उसको वो इम्पैक्ट करेंगे, किस चीज़ को इम्पैक्ट करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी वो थ्रेड्स क्या करेंगी, जो डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए उसे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट कर देंगी, सबको दिखा देंगी, तो ये एक थ्रेट हो गया। दूसरा थ्रेट हो गया इंटेग्रिटी इशू। इंटेग्रिटी ये रिक्वायर करती है कि अनऑथराइज मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, बिना ऑथराइज के चेंज नहीं होना चाहिए, इससे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपने सुना होगा कोई हीरोइंस वगैरह हैं, फिल्म स्टार्स वगैरह हैं, तो कई बार ऐसी पिक्चर्स मार्केट में वायरल हो जाती हैं जो उनकी नहीं होती हैं और उनका फेस उनका होता है, तो गलत इन वीडियोज़ उनके वायरल हो जाते हैं और वर्ल्ड वाइड वायरल हो जाते हैं, ऐसा बहुत हुआ है। तो ये इंटेग्रिटी इशू है, ये इंटेग्रिटी इशू उनकी रेपुटेशन को डैमेज करता है, उनके उनको साइकोलॉजिकल हार्म देता है और इमेंस हार्म दे सकता है। इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में से कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन हो जाता है, इससे बिजनेस को इफेक्ट आ जाता है, उसको हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। कई बार बिजनेस में इंटेग्रिटी इशू जो है बिजनेस के साथ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे बैंक एम्प्लॉई है, बैंक एम्प्लॉई अगर बैंक का डेटा, सपोज बैंक का सेंट्रलाइज डेटाबेस है, उसमें आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और अचानक 1 करोड़ रुपया गायब हो गया, उसमें 1 0 गायब हो गया 10 लाख रुपए में से, और बैंक आपको 1 लाख रुपया ही दिखाने लगे, बैंक के में से आपका ट्रस्ट निकल जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो क्लर्क होते हैं, बैंक क्लर्क होते हैं, वैसे आज की डेट में तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन क्या होता है कि मेरे को बैंक ने लोन दिया और उसने 1 लाख रुपए का लोन ले दिया, तो बैंक जो है, क्लर्क जो है, बैंक एम्प्लॉई ने उस 1 लाख रुपए के सैंक्शन लोन को उसमें चेंज कर दिया, अनऑथराइज्ड एक्सेस है। मैनेजर कई बार क्या होते हैं, पुराने होते हैं, उनका लॉग इन वो टाइप कर रहा होता है तो पता चल रहा होता है, तो वो उसको लॉग इन पता चल गया और उसने उस क्रेडिट लिमिट को बाईपास कर दिया, अगले दिन दूसरे आदमी ने पैसा निकाला और फिर उसके बाद वो फरार हो गया।
तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन। मेरी लिमिट जो थी वो 10 लाख रुपए की या 1 लाख रुपए की थी, और मैंने एक जीरो बढ़ा दिया उस लिमिट में और फिर उतना पैसा निकाल दिया। कई बार क्या होता है, कंप्यूटर वायरस आ जाता है, वो प्रोग्राम या डेटा को करप्ट कर देता है, उससे ट्रांजेक्शन्स या तो गायब हो जाते हैं या इंटेग्रिटी उसकी वायलेट हो जाती है। डेटा आता है तो वो कुछ और तरीके से दिखने लगता है। डेटा जो फाइल होती है जहाँ पर डेटा रखा होता है, उसमें डेटा कई डेटा मिट जाता है, रिमूव हो जाता है, या उसका चीज़ें चेंज हो जाती है। डेटा क्या है, वह 0101 का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर है वो 0101 है, बाइनरी में डेटा होता है। मालूम पड़ा उस डेटा को जीरो की जगह वंस कर दिए, वंस की जगह जीरो कर दिए, किसी को जीरो को वन कर दिया, वन को जीरो कर दिया, डेटा इंटेग्रिटी वॉयलेट हो गई। तो अगर मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स की इंटेग्रिटी वॉयलेट हो गई तो भाई इरेपरेबल डैमेज हो जाएगी बिजनेस को, नेशनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ लॉस हो सकती हैं। जैसे मीट्रोलॉजिकल सिस्टम है, अगर मान लिया अगर हवाई जहाज़ चला रहे हो उसमें ऑटो पायलट होता है, अगर उसमें प्रोग्राम कोड को करप्ट कर दिया तो मालूम पड़ा हवाई जहाज ही आपका गिर गया। वैसे ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। इंटेग्रिटी वायलेशंस जो हैं बहुत डैमेज कर सकते हैं। मिशन क्रिटिकल सिस्टम में एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप अगर मान लिया सपोज बैंक है, बैंक का सेंट्रलाइज डेटाबेस में एक जीरो सबका गायब हो गया अकाउंट में, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एक जीरो या बढ़ गया, तो वो इंटेग्रिटी वॉयलेशंस हैं। होता नहीं है, उसमें स्पेसिफिक कंट्रोल्स रहते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि एक जीरो ही तो बढ़ाना है, एक जीरो बढ़ाना है, डेटा को एक जीरो चेंज करना है हर एक के अकाउंट में, प्रॉब्लम इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लिया सपोज इंडियन रेलवेज है, उसका टैरिफ डेटा फाइल है जिसमें ये है कि आप कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, किस बंदे की कितना पैसा आप लेंगे, मालूम पड़ा उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, करप्शन हो गया, तो उसमें क्या है कि आपको टिकट मालूम पड़ा 527 रुपये का है, उसमें 52 रुपये 7 पैसे का टिकट, 70 पैसे का टिकट दिखाई दे रहा है, आपने उसे पे कर दिया, कल की डेट में रेलवे को लॉस हो गया। वैसे ये होता नहीं है, लेकिन ये इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इंटेग्रिटी वॉयलेशंस जनरली कॉमन होते हैं। कई बार क्या होता है, फाइल करप्ट हो जाती है, पावर फेलियर्स हो जाते हैं, कई बार क्या होता है कि एरोनस प्रोग्राम कोड्स होते हैं, तो उसमें क्या है, डेटा फाइल जो है ऑल्टर हो जाती है, गलत तरीके से हो जाती है। तो इंटेग्रिटी वॉयलेशन को हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, और इंटेग्रिटी वॉयलेशंस को प्रिवेंट अगर कहीं वनरेबिलिटी है तो थ्रेट उसे एक्सप्लॉइट कर देगी, और हमें ये देखना पड़ेगा उन थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ को हटाना पड़ेगा ताकि इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी वॉयलेशन ना हो। तीसरी चीज़ है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी कई बार क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में हमने पढ़ा है, याहू मैसेंजर, याहू की साइट में इतने मैसेजेस भेजे गए कि वहाँ वो सर्विस डिनाई होगी, तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एक अवेलेबिलिटी हैम्पर कर सकता है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है, ऑथराइज्ड यूज़र को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, और तब अवेलेबल होनी चाहिए जब उसको चाहिए। अगर आप एटीएम में जाएं और वहाँ से पैसा निकलना चाहिए तो बिल्कुल निकलना चाहिए, आप उससे कुछ डिटेल मांगो तो मिलना चाहिए, वो ये नहीं कहना चाहिए कि एटीएम ख़राब है। अगर एटीएम ख़राब है या एटीएम के पास आप जा रहे हैं और वहाँ से पैसा नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अवेलेबिलिटी इशू है। दो क्या होता है कि आधे घंटे पैसा नहीं निकला, 1 घंटे पैसा नहीं निकला, नॉर्मल ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है हमारा एज ए इंडियन, हमारा नॉर्मल एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक अवेलेबिलिटी इशू है। तो जो रियल टाइम